हाय, मैं हूँ श्वेता और ये है निशा भाभी, स्वीट एंड ब्यूटीफुल भाभी। तो भाभी ने आज अपने घर पे पूजा रखी है और हम सबको इनवाइट किया है। लक्ष्मी इधर आओ। और ये है लक्ष्मी हमारी राइट हैंड। तो हमारे घर में जो भी कुछ होता है वो सब लक्ष्मी के भरोसे ही होता है, जितने भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो आज हमारा गेट टुगेदर है, फिर से पूजा गेट टुगेदर। जैसा कि आप देख रहे हो, पंडित जी ऑलरेडी आ गए हैं और उन्होंने पूजा की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंडित जी को टाइम था, अभी वो तैयारी कर रहे थे। पूजा कंटिन्यू होगी, स्टार्ट होगी और कंटिन्यू होगी। तब तक मैं अपने बाल बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरी साड़ी और मेरा गेटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाल उसको पूरा स्पॉइल कर रहा था। तो मैं मौके का फ़ायदा उठाकर पार्लर में आई हूँ। पार्लर का नाम है दिया पार्लर, जहाँ बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज में हेयर स्पा, हेयर स्टाइल, हेयर कट सब कुछ कर रही हैं। तो अगर आप पंप हाउस में रहते हो तो दिया पार्लर विज़िट कर सकते हो, क्योंकि अभी रेनी सीज़न का ऑफर चल रहा है इस पार्लर में। तो मैं देखती हूँ कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा बनता है और बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर आइए। मैंने एक सिंपल सी हेयर स्टाइल चूज़ की है, जो बनाते हुए मैं दिखा रही हूँ आपको। आप चाहें तो घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको साइड फ्रेंच प्लेट बनाने आता है तो आप दोनों साइड से वो बना के फिर बीच में उसको पीछे पोनी टेल करके एक जूड़ा बना दीजिए, क्योंकि साड़ी पे सबसे अच्छा जूड़ा ही लगता है। और कोई हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट वाला शॉर्टकट हेयर स्टाइल चूज़ किया। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो ना? अच्छी लग रही हूँ। मेरी हेयर स्टाइल बन गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ एज यूजुअल। अब मैं वापस पूजा रेज्यूम करती हूँ, जो मैं बीच में छोड़ के आ गई थी। ओ शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। चलो हाय बोलो, इंट्रोडक्शन दो अपना। ये मेरी दो जेठानियां जो सबसे लेट आई है पूजा में, तो अभी आप लोग एक्सप्लेन करिए क्या सजने में इतना टाइम क्यों लगा। मैं देखो कितना तैयार होके भी टाइम पे पहुंची। बोलो, हम लोग को लेट हो गया थोड़ा कुछ नहीं। हमको टाइमिंग नहीं दिया गया था कि इस टाइम आना, तो इस टाइम तो सारा गलती निशा भाभी का है, इन्होंने गलत टाइम दिया। 11:30 बता के 9:30 को पूजा कर दिया। जेठानी का तोपन, इसलिए मैं अपनी जेठानियों को माफ करती हूँ। Oh,
ये सीक्रेट डिश है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि सविता गुणानुपसो पवित्रेण शतधारेण ये देखिए आराम फरमाया जा रहा है। सो हो यही जो आराम से लेटी हो, आराम से पूजा में मेरा फोटो ले रही थी और बता रही थी सबको कि मैं सो रही हूँ, और अब खुद देखिए कैसे आराम से सो, आराम से खाओ, फिर आराम से अपने अपने घर पे प्रभु का गुण गाओ, प्रभु का गुण गाओ। तो अब तक खाना नहीं मिला है, हो जाएगा फिर भोजन मिलेगा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठ कर खाने का इंतजार कर रहे हैं, सब बैठ के कर रहे हैं और भाभी लेट के कर रही है, थोड़ा हजम हो जाएगा। अब ये वीडियो वायरल होगा, आप कितना आराम करती हो लेट लेट के, देखो वायरल हो गया। ये कुछ मैसेज देना चाहती है वंडर वुमन चैनल के थ्रू वंदना भाभी, चलिए बोलिए जो आपने अभी बोला अभी बोलिए। जो खाएगा वो उसको भी ऊपर जाना है, जो नहीं खाएगा उसको भी ऊपर जाना है। तो आप लोग दिल खोल के खाइए, रहने पे तो साला टेंशन है ना, रहने पे कौन देखेगा कि कौन लेके जा रहा है कौन लेके नहीं जा रहा है। इसके अच्छा खाओ पियो मस्त से रहो, जाना तो सबको ऊपर है। और जाते टाइम वो जो चार लोग हम उठाने वाले हैं, चार कांधे, उनके बारे में क्या कहना, क्या सोचू, जीते जिंदगी सोच रहे, मरने के बाद क्या सोचू। अच्छा तो मरने के बाद कुछ नहीं सोच, चार की जगह आठ कांधे लग सकते हैं, पर इसकी चिंता मत करिए, आप लोग दिल खोल के खाइए। सत्यनारायण भगवान की पूजा खत्म हो चुकी है और अब रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी, और बाकी सब लोग ब्रेक ले रहे हैं। चंद्रमा मन सो जात सक्षो सूर्यो हो चुकी है फाइनली, और हम रिलैक्स मोड में आ चुके हैं और भाभी अभी तक सज धज के बैठी है। तो ये सारा कार्यक्रम जो है भाभी ने ऑर्गेनाइज किया था हम सारी देवरानी जेठानियों का गेट टुगेदर करने के लिए, और सब कुछ करने के बाद हम ऐसे लूटे पिटी हालत में हो जाते हैं और भाभी एकदम स्माइल करती हुई गोरी चिट्टी चमचमाती रहती है। और ये है शारदा, इनसे भी मिल लो आप, लक्ष्मी हमारी राइट हैंड है और शारदा लेफ्ट हैंड है, तो अगर आप घर पे कोई प्रोग्राम रख रहे हो तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जरूर पहले अरेंज कर लो, नहीं तो आपका सचूमर निकल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।